नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाले वीडियो में हमने किए थे अनेकार्थी शब्द, अब करेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। शब्द और पर्यायवाची, अंग, अंश, भाग, हिस्सा, किसी भी चीज़ का भाग, अंश या हिस्सा। अग्नि, अग्नि, आग, पावन, अनल, दहन। अचल, शैल, पर्वत, गिरी, पहाड़। अतिथि, अतिथि का मेहमान, आगंतुक, पाहुना। अनाज, अन्न, धान्य, शस्य। असुर, असुर का दानव, दैत्य, राक्षस। अनुचर, दास, सेवक, चाकर, नौकर, जो सेवा करते हैं गुरुओं की, या घर में जो हम रखते हैं नौकर। अमृत, अमृत का सुधा, पीयूष, अमीय। अरण्य, अरण्य का अर्थ है जंगल, वन, अटवी। आगे आशव, आशव का अर्थ होता है घोड़ा, गोटक, तुरंग भी कह सकते हैं। अहंकार, घमंड, अभिमान। आंख, नैन, नेत्र, चक्षु, लोचन। आकाश, आकाश को हम अंतरिक्ष, व्योम, गगन, नभ भी कह सकते हैं। आनंद, आनंद, हर्ष, प्रमोद, उल्लास। इच्छा, इच्छा का अभिलाषा, कामना और चाह या चाहत। इंद्र, देवपति, सुरपति, सुरेश। दोबारा रिपीट करेंगे पर्यायवाची शब्द। अंग, अंश, भाग, हिस्सा। अग्नि, आग, पावन, अनल, दहन। अचल, अचल का शैल, पर्वत, गिरी, पहाड़। अतिथि, अतिथि को मेहमान, आगंतुक, पाहुना। अनाज, अनाज का अन्न, धान्य, शस्य। असुर, असुर का दानव, दैत्य, राक्षस। अनुचर, अनुचर का होता है दास, सेवक, चाकर, नौकर। अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय। अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन, अटवी। आशव, आशव का अर्थ होता है घोड़ा, गोटक, तुरंग। अहंकार, घमंड और अभिमान। आंख, आंख को हम नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन भी कह सकते हैं। आकाश, अंतरिक्ष, व्योम, गगन और नभ भी कह सकते हैं। आनंद, आनंद, किसी चीज़ का आनंद लेना। हर्ष, प्रमोद, उल्लास भी कह सकते हैं। इच्छा, अभिलाषा, कामना, चाह या चाहत। इंद्र, देवपति, सुरपति, सुरेश। ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द।
मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छी तरह लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू।